नमस्कार, चरहट के हिंदी में आपका स्वागत है। दुर्भाग्य को दूर करने के लिए बस इस चीज से अपने घर के मुख्य द्वार पर एक चिन्ह बना दें, आपका दुर्भाग्य कभी भी नहीं आएगा आपके द्वारे। बस आपको ये छोटा सा उपाय करना है। आइए हम आपको बताते हैं इस उपाय के बारे में। लोग केसर को खूबसूरती निखारने व सेहत संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर ज्योतिष और वास्तु के अनुसार इससे कुछ उपाय भी यानी कुछ टोटके भी किए जाते हैं। यदि आप इनको कर लेते हैं तो जीवन में आ रही परेशानी, दुर्भाग्य, आर्थिक संकट सभी दूर चला जाता है। बस आपको छोटा सा उपाय करना है। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटी सी चीज बनानी है। आइए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। घर के मुख्य द्वार पर आप केसर से गणेश जी का प्रतीक यानी कि स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इससे घर में मौजूद नकारात्मकता दूर होगी और घर में सुख समृद्धि व शांति का वास होगा। धन की देवी लक्ष्मी माता वास होने के साथ अन्न व धन की बरकत आपके पास बनी रहेगी। घर के बाहर लोग स्वास्तिक बनाते हैं, लेकिन स्वास्तिक को केसर से बनाना है। आप केसर से बनाएं, फिर देखें चमत्कार किस प्रकार से होता है। आप एक बार इसे केसर से जरूर बनाएं। आप इसे बुधवार के दिन बनाएं तो ज़्यादा शुभ माना जाएगा और घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ दीवारों पर बनाएं। दूसरा है, कच्चे दूध में केसर के कुछ धागे मिलाकर भगवान शिव को चढ़ाएं। बाद में उस केसर से अपने माथे पर तिलक लगा लें। आप इसे अपनी गर्दन, जीभ व नाभि पर भी लगा लें। इस उपाय को लगातार यदि आप 3 महीने तक हर सोमवार को करते हैं तो घर में मौजूद जितना भी तनावपूर्ण पति पत्नी के झगड़े होते हैं वह सभी दूर हो जाते हैं और संबंधों में मिठास आने लगती है। अगला उपाय यह है कि अक्सर पति पत्नी में आपने झगड़े होते हुए देखा होगा, घर की सुख शांति भंग होती देखी होगी। ऐसे में घर की महिलाओं को सुहाग के सामान में थोड़ा सा केसर डालकर किसी कन्या या महिला को भेंट कर दें। इससे घर का माहौल अपने आप ही शांत हो जाएगा और दाम्पत्य जीवन में मिठास आ जाएगी। अगला उपाय है, अपने कारोबार या व्यापार से जुड़े सबसे जरूरी कागज पर केसर का हल्का सा छिड़काव करें। साथ ही भगवान श्री गणेश का प्रतीक स्वास्तिक भी बना दें। इससे कारोबार या व्यापार संबंधित समस्याएं दूर होकर तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। अगला उपाय है, सफ़ेद रंग के कपड़े को केसर के से रंग दें, फिर इसे अपनी तिजोरी या पैसों की अलमारी में बिछा दें और इस पर अपना सारा कीमती सामान, रुपये, पैसे, जेवर आदि धरें। आप इन सबको रखेंगे, इससे धन की देवी लक्ष्मी की कृपा आपको मिलने लगेगी। मगर इस बात का ध्यान रखें कि इस जगह को गंदा ना होने दें। साथ ही गंदे हाथ लगाने से भी आपको बचना है और साथ में केसर का दूध, खीर आदि बनाकर हर शुक्रवार को किसी छोटी कन्या को खिलाएं। आपका भला होगा, आपकी सभी परेशानी दूर हो जाएगी। अगला उपाय बताया है, कुंडली में बृहस्पति यदि आपका कमजोर है, बृहस्पति कमजोर होने से घर में कारोबार संबंधी समस्या उत्पन्न होने लगती है। ऐसे में गुरु मजबूत करने के लिए हर बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार को केसर का तिलक माथे पर लगाना चाहिए। साथ ही इसका हर धार्मिक कार्यक्रम में प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो बृहस्पति कमजोर है वह मजबूत हो जाता है। और यदि अगला उपाय है, कुंडली में मंगल दोष और लगा हुआ है और मंगल दोष को दूर करना चाहते हैं तो आप इससे बचने के लिए, मंगल दोष से बचने के लिए हर मंगलवार के दिन लाल चंदन के साथ में थोड़ा सा केसर मिलाकर हनुमान जी को तिलक करें। इससे मंगल दोष स्वतः ही दूर होते चला जाएगा और घर में खुशहाली आएगी। तो ये कुछ ऐसे उपाय थे जो कि आपकी दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं, आपके घर में आ रही परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो हम इस चैनल में इसी प्रकार के छोटे छोटे वास्तु और ज्योतिष उपाय लेके आते रहते हैं। यदि आप इससे इसको करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फल इसका जरूर मिलता है। बस आपको अपने मन में श्रद्धा भाव रखना होगा और यदि आप श्रद्धा भाव के साथ इसको करेंगे तो निश्चित रूप से ये उपाय, छोटे छोटे उपाय जो है ये सफल होते हैं। ये सभी उपाय ज्योतिष शास्त्र में, वास्तुशास्त्र में बताए गए हैं, उसी के अनुसार हम आपको ये बता रहे हैं। आप इसको एक बार जरूर करके देखें। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद।